हेलो एवरीवन, कैसे हो। आ गए हम आपके बीच दोबारे से एक इन्फॉर्मेशन लेकर, और वो भी जो आज की हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है वाईटी से रिलेटेड। वाईटी से रिलेटेड हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं ना, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं कि हम अपने चैनल को ग्रोथ कैसे दें। तो उसके क्या होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉस होते हैं। तो आदमी प्रॉफिट तो देखता है, लॉस को नहीं देखता, लॉस उसको बाद में पता चलते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखते रहे, क्योंकि आज हम आपको इसमें विद लाइव डेमो दिखाएंगे कि भैया आपने जो अपनी वीडियोस में आप गलती कर रहे हो उससे आपको क्या लॉस होने वाला है, और आपको उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, या आपका चैनल मोनेटाइज है तो वो दोबारा रिव्यू में आएगा कि नहीं आएगा, और वो आपको पता चलेगा विद डेमो हम आपको देंगे। तो सही है, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, जैसे आपको पता चल पाए कि आपने अपने वीडियोस को बनाते समय क्या गलती नहीं करनी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने दो एग्जांपल शो किए हैं। इसमें क्या कहते हैं, मेरी 5-6 लोगों से इस बारे में बात हुई थी, जो 5-6 लोगों का जिनका चैनल है और जिनके साथ ये इशू क्रिएट हुआ है। बट मैंने दो लोगों का एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, और उनका कहना ये था कि जैसे पहले उनका, जैसे एक का था कि उनका दोनों का चैनल मोनेटाइज हो गया था। मोनेटाइज होने के बाद उन्होंने क्या किया, एक फेस्टिवल आया उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए एक व्हाट्सएप स्टेटस बना के डाल दिया, और डालने के बाद क्या हुआ, उनको उसका बेनिफिट तो हुआ नहीं, लॉस उल्टा हो गया कि उनका चैनल रिव्यू में दोबारा आ चुका है। और वो कहते हैं कि भाई इससे पहले तो हमारा कुछ डाटा था ही नहीं ऐसा, जब हमारा चैनल मोन हुआ उसके बाद हमने सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस ही डाला जिससे हमको लगता है कि इशू क्रिएट हुआ है, और YouTube ने उन दोनों को स्पेशली मेल किया है कि भैया आपने रिकंटेंट यूज़ किया है और ये हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, रिकंटेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं है, और आप अपने चैनल पर जो रिकंटेंट डाटा है उसको हटाओ और अपने चैनल को दोबारे रिव्यू में भेजो, दोबारे रिव्यू में आपका चैनल होगा और दोबारे हम देखेंगे मोनेटाइज करना है कि नहीं करना है। तो उनका कहना यही है कि भाई पहले का डाटा वही है, उसमें खाली हमने व्हाट्सअप डाटा, व्हाट्सअप स्टेटस ऐड किया है। तो उनका मानना भी यही कि व्हाट्सएप स्टेटस से ही प्रॉब्लम आई है, और लोगों का मानना भी है कि यही। तो मैं ये भी चाहूँगा भैया, जो लोग व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहे हैं और बना रहे हैं तो भैया थोड़ा ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो आपकी जो और मेहनत है वो भी वेस्ट हो जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, और जो जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उसमें आप देख सकते हैं सीधे सीधे, उसमें यूट्यूब कह रहा है कि आपने भैया रिकंटेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है, आपने दूसरे का कंटेंट यूज़ किया है, उसको हटाएं और आपका चैनल दोबारा रिव्यू में आएगा और उसके बाद हम उसको रीचेक करेंगे। तो भाई मैं सभी से चाहूँगा कि सभी इसको ध्यान दें और इस तरह की गलती ना करें, जैसे कि उनकी मेहनत वेस्ट ना जाए और उनको बेनिफिट हो। तो धन्यवाद आपका, अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, और अब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर थी ये वीडियो, तो बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भैया आप इस गलती को ना करें
और अगर आपको मेरे वीडियो सही लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे कि आपको इसी तरह की कोई मैं नई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। और अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आप इसको शेयर करें, जैसे कि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और अपनी मेहनत को वेस्ट होने से बचा पाएँ।